नमस्कार, इंडिया नाउ 24 चैनल में आपका स्वागत है। केशवराम कमल बस्ती से खबर है। बस्ती जिले के परशरामपुर ब्लॉक के अंतर्गत सिकंदरपुर ग्राम से सिकंदरपुर ग्राम के नए प्रधान में सफाई को लेकर दिखी काफ़ी उत्साह। शुरू की सफाई का कार्य। परशरामपुर क्षेत्र के सिकंदरपुर ग्राम में प्रधान अमीना खातून के पति एजाज अहमद प्रधान प्रतिनिधि हैं। ये बताए, स्वच्छ भारत मिशन के तहत सिकंदरपुर में 3 दिन से सफाई का कार्य शुरू है। सिकंदरपुर में प्राथमिक विद्यालय के पास विगत कई वर्षों से जमे कूड़े के ढेर के कारण चार पहिया वाहन आने जाने का रास्ता बंद हो चुका था। सड़क में जमे कूड़े के ढेर की सफाई हुई। सिकंदरपुर में विगत कई वर्षों से नालियां भटी हुई थी। बरसात में ग्रामवासियों को दिक्कत का सामना करना पड़ता था। आगामी बरसात को देखते हुए सिकंदरपुर के नए प्रधान द्वारा कई जगह पर भटे हुए नालियों की सफाई का कार्य 3 दिन से शुरू है। इनका लक्ष्य पूरे गाँव की नाली एवं कूड़े का सफाई किया जाएगा। सिकंदरपुर हैदराबाद के बीचों बीच में एक पुलिया था। विगत कई वर्षों से पुलिया टूट के ध्वस्त हो चुका था। स्कूल के बच्चों व राहगीरों को आने जाने में दिक्कत का सामना करना पड़ता था। कई लोग गिरकर गंभीर रूप से घायल भी हुए। उस पुलिया का समतलीकरण कराकर आने जाने का रास्ता बनाया गया। अब हम आपको सिकंदरपुर ग्राम के प्रधान के प्रतिनिधि एजाज अहमद से मिला रहे हैं। आपका शुभ नाम? एजाज अहमद। आप क्या हैं? प्रधान प्रतिनिधि। आपकी वाइफ? प्रधान। आपकी वाइफ का क्या नाम है? आमिना खातून। जो सिकंदरपुर में काम चल रहा है, तो इससे कहां कहां काम हुआ अभी तक? पूरे गांव में सफाई का काम करवाया हूं, और यहां पर जो आप देख रहे हैं, यहां पर पुलिया टूटा हुआ था काफ़ी दिन से, और इसी रास्ते से जुड़ा हुआ बगल से एकदम कूड़ा सब भेजा हुआ था। बच्चे प्राइमरी स्कूल है आगे, बच्चे जो है छोटे छोटे बच्चे पैदल जाते थे, उनको बहुत दिक्कत होती थी। तो सर्वप्रथम मैं सोचा कि पहले ये जो है गंदगी साफ करवाई जाए। उसके बाद गांव में तमाम नालियां जो भटी हुई थी, जो प्रभावित कर रही थी पानी आने के लिए, उसको मैं साफ करवाया। और सफाई कर्मी भी आए हैं ब्लॉक से आज। उसके पहले मैं 1 हफ्ते से 4 दिन हो गया लगभग, लोकल जो है आदमियों को लगाकर मैं साफ करवा रहा था। आज एडीओ पंचायत साहब ने 7 सफाई कर्मी को भी भेजा है, और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर JCB लगवाकर मैं 3 दिन हो गया लगातार। ये सीधा पानी पूरे मार्केट का, पूरे सिकंदरपुर का होते हुए यहाँ से तालाब की तरफ जाता है, जो कि यहाँ से वहाँ तक भटा हुआ था। आप लोग देख लीजिए, पूरा जो है मलबा सब भरा हुआ था, उसको बाहर निकला गया। क्या ये जो काम हो रहा है, बजट अभी आया कि नहीं आया? बजट आया या नहीं आया ये तो नहीं पता है, लेकिन सर्वप्रथम जो मेरा मैंने देखा, जो ज़रूरी था उसको मैं करवाया। अभी बजट के लिए मैं नहीं बता सकता आया कि नहीं आया। क्या अभी आपका चार्ज मिला कि नहीं? नहीं, चार्ज नहीं मिला अभी। अभी बिना चार्ज के पहले आप काम करा रहे हैं? ये बात थी कि यदि 1 हफ्ता 10 दिन रुक दिया जाए या 1 महीना बाद हो काम, ये तो बारिश होने की वजह से काम हो नहीं पाता, बाधित हो जाता काम, इसलिए मैं शुरू करवा दिया। यहाँ के आप निवासी हैं, तो यहाँ जो गांव में जो काम हुआ है, इससे पहले क्या दिक्कत थी यहाँ? यहाँ नाली भरी थी, और यहाँ के जो नाला है सभी बहुत 5 साल हो गया। 5 साल हो गया तो इस गाँव में पानी भर रहा था। अरे सर, बहुत दिक्कत था। क्या था? आने जाने में बहुत ज़्यादा परेशान हुआ। बाइक से आना जाना मुश्किल था, और 4-व्हीलर तो छोड़ जी। सिकंदरपुर। आपका शुभ नाम? मुर्तजा हुसैन। सिकंदरपुर। सिकंदरपुर के निवासी हैं आप? जी। मेरा नाम मोहम्मद सलीम है। मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ यहाँ कूड़े के ढेर लगा हुआ है, और प्रधान जी का धन्यवाद देता हूँ कि जो उन्होंने साफ सफाई करवाई है, और सभी को आने जाने में दिक्कतें अब नहीं होंगी, इसलिए लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आप क्या हैं सिकंदरपुर में? हम अभी BDC हुए हैं। मतलब इससे पहले थे कि अभी BDC आप जीते हैं कि आपकी वाइफ जीती है? आपकी वाइफ जीती है। तो आप सिकंदरपुर में रहते हैं जी? तो इसमें सिकंदरपुर में आपकी इससे पहले क्या दिक्कत थी? दिक्कत आज तक कोई प्रधान किया ही नहीं, जो दिक्कत थी यहाँ से लेके वहाँ तक सब खाली कूड़ा ही है पूरा, और कोई काम हुआ गंदगी काम बार बार है। इससे सफाई से आपको क्या हुआ है? हम लोग बहुत सर्दी से बहुत खुश हैं। मतलब सफाई से? हाँ, यह जो टूटा था ये तो प्रधान जी का देन है कि आने जाने के लायक हो गया, नहीं तो इधर से कोई गाड़ी भी नहीं निकलता है। बलराम, आप भी यहाँ थे? हाँ, मैं तो प्रधान जी का मित्र हूँ,
और जो ये काम हुआ है बहुत ही अच्छा हुआ है। 15 सालों में जो काम नहीं हुआ वो हमारे प्रधान जी ने करा दिया है। अभी चार्ज भी नहीं मिला, ना इनको अभी मोहर दस्तखत मिला, लेकिन ये अपने पैसे से ये सफाई करा रहे हैं। और पहला सफाई इन्होंने सिकंदरपुर बाजार का कराया, उसके बाद ताल के किनारे का सफाई कराया, उसके बाद में जेसीबी से यहाँ पे कूड़े का ढेर लगा रहता था, लेकिन प्रधान जी जेसीबी बुलाए हैं और 3 ट्रैक्टर टाली बनाए हैं, यहाँ से सब कूड़ा लाद कर ताल के किनारे वहाँ जाता है। और प्रधान जी का एक ही मिशन है, सिकंदरपुर को स्वच्छ मिशन के तहत एकदम चुस्त दुरुस्त बनाना है। प्रधान जी ने कहा है कि हमारे सिकंदरपुर के हिंदू मुसलमान भाई, मैं सबका प्रधान हूँ और सबके लिए मैं जी जान लगा दूंगा, सारा विकास करूंगा। और ऐसा प्रधान पाकर सिकंदरपुर वासी एकदम खुश हैं। कोई जात पात से नहीं होता, सिर्फ विकास से होता है। प्रधान जी ने साबित कर दिया है कि सिकंदरपुर का विकास कैसे करना है। और ये पहली बार प्रधान हुए, इनको भी एक हौसला है। जब कोई पहली बार प्रधान होता है तो जनता के दिल में वो बसना चाहता है। जिस तरह कोई भी हो पहली बार होने के बाद ये सोचता है कि दोबारा फिर मैं प्रधान हूँ, उस तरीके से हमारे प्रधान प्रतिनिधि एजाज अहमद जी प्रयास कर रहे हैं पूरा। और जब अभी बजट आया ही नहीं तब इतना काम कर दिए, और जिस दिन बजट आया जाएगा उस दिन सिकंदरपुर का एक भी ऐसा इलाका नहीं रहेगा जो गंदगी का ढेर हो। RCC लग जाएगा, खड़ंजा लग जाएगा। और प्रधान जी ने तुरंत ही आदेश दिया कि बलराम जी आप पहले एक ट्रांसफार्मर सिकंदरपुर के लिए मांग कीजिए, क्योंकि मैं जिला मंत्री हिंदू रवानी का हूँ और हम लोग मिलकर काम करेंगे। हम लोग की सरकार है और सरकार से हम मांग किए हैं कि एक छोटा ट्रांसफार्मर आ जाए, जिससे सिकंदरपुर का जो समस्या अभी तक था वो समस्या ना होने पाए। और हम तो प्रधान जी की वजह से इस गांव का सेवा करेंगे। मैं कुछ भी नहीं हूँ, ना BDC हूँ, ना कोई भी पद नहीं है, लेकिन एक सामाजिक कार्य मैं करता रहूँगा। और हमारे प्रधान जी ने मुझे जिम्मेदारी दिया है कि आप मेरे साथ रहकर गांव का विकास कीजिए। अभी बहुत ऐसा काम बाकी है, अभी प्रधान जी को बहुत सारा काम कराना है। एक वहाँ पे होलका है, वहाँ पे चारों तरफ बाउंड्री होगा, प्रधान जी कराएंगे। उसके बाद में जब कोई मर जाता है तो बाल बनवाने के लिए जगह है, उसको भी प्रधान जी कराएंगे। ऐसे तमाम काम प्रधान जी कराएंगे। कोई ये नहीं कह पाएगा कि प्रधान जी मुस्लिम है तो मुस्लिम का काम कराएंगे, ऐसा नहीं है। हिंदू मुस्लिम को साथ रहकर प्रधान जी काम कराएंगे। और जितने भी गरीब हैं सिकंदरपुर में सबको आवास दिलाएंगे, और जो बड़ा आदमी है वो ये ना सोचे उसको आवास दिलाएंगे, किसी को नहीं दिलाएंगे। जो गरीब है उसी को सिर्फ आवास मिलेगा, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। और जिसको शौचालय नहीं मिलेगा उसको भी मिलेगा। और स्वच्छ भारत मिशन के तहत माननीय नरेंद्र मोदी जी इतना किए हैं, प्रधान जी सब कराएंगे। धन्यवाद।